सो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मैकेनिकल पेंसिल्स को पेंसिल नॉर्मल पेंसिल्स के साथ, कि आपको मैकेनिकल पेंसिल्स क्यों परचेस करना चाहिए, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके क्या काम आएंगे, आपको क्यों मदद करेंगे आपको ड्राइंग्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना को कुछ डाउट्स हो तो वीडियो में। सो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फोर पेंसिल्स है, एक सकूरा की है, उसके बाद पेंटेल की, और ये मेरे पास टॉम्बो मोनो है, टॉम्बो ग्रेवियर, उसके मेरे पास स्टेडलर माइक्रो है, ये मेरे पास चार मैकेनिकल पेंसिल्स है, और यहाँ मेरे पास कुछ चार और है, सकूरा की है, मेरे पास 0.3, 0.5 और 0.7 और 0.9 है। सो ये मैं यूज़ करता हूँ अभी, चारों यूज़ कर रहा हूँ मैं आज के। सो आपको सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट दिखा देता हूँ कि आपको क्यों परचेज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देख सकते हैं, नॉर्मल पेंसिल को आपको बार बार शार्प करना पड़ सकता है एक स्ट्रेट लाइन के लिए। देखो मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, कितनी थिक आ रही है, और उसको मैंने शार्प नहीं किया है तो पता ही कैसे आएगी। सो यहाँ पे मैं 0.3 ले रहा हूँ जो आती है, और मैं इससे लाइन खींच रहा हूँ, देख सकते हो दोनों में कितना कंपेरिजन है कि कितनी पतली आई है और कितनी मोटी आई है। तो आपको कौन सी परचेज़ करना चाहिए आपको अब यहीं पता चल गया है। और आपको ये डिटेल वर्क में मैकेनिकल पेंसिल ज़्यादा काम आती है कंपेयर टू द विन पेंसिल। सब हाइपर रियलिस्टिक में मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करना चाहिए। आपको वुडन पेंसिल का भी यूज़ करते हो तो आपको डार्क देते हैं। पेंटेल की मेरे पास मुझे सबसे अच्छी लगती है, उसके बाद टॉम्बो की लगती है, ये दोनों बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं, इनकी प्राइस भी बड़ी अच्छी खासी है, और स्टाइलर की सबसे एक्सपेंसिव है मेरे पास अभी हाल ही में। सो ये मैं इसका सबसे सेकेंड आपको बताता हूँ कि आपको क्यों लेना चाहिए वुडन। ये मेरे पास स्टाइलर की नॉर्मल पेंसिल्स है, और उसको देख सकते हो कि इसके अंदर एक चीज़ होती है कि ये जल्दी ख़राब हो जाती है, आपको इसकी बार बार लीड चेंज करना पड़ सकती है। इसकी लीड चेंज नहीं होती है, बट एक नॉर्मल पेंसिल की लीड चेंज मैकेनिकल पेंसिल की चेंज हो जाती है। मेरे पास एक चार लीड मैं हाल ही में यूज़ कर रहा हूँ, 0.3 की, 0.5 की और 0.5 की HB और 2B है। स्टाइलर की तरफ से मेरे पास तीन है, और पेंटेल की तरफ से एक है, पर 0.7 भी यूज़ करता हूँ। 0.9 में मैं कैमलिन की यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे 9 अवेलेबल नहीं मिली थी स्टाइडलर की, तो इसलिए मैं 9 यूज़ करता हूँ। पर कैमिल की भी ठीक है, 5-10 रुपीज़ की आती है, वर्थ इट है। बस ये आपको शेड्स के हिसाब से आती है। मैं स्टाइडलर में 5 0.5 में 2B यूज़ करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिल में लगा के। मेरे पास ये बॉक्स है, मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ कैमलिन के 0.5 के, मैं इसको अभी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे काम की आती है ये। उसके अंदर कुछ 10 निकलती है, और उसके एक के अंदर 10 लीड्स रहती है, और मेरे पास 0.7 में भी कैमलिन की। ये रहता है कि ये बहुत काम आती है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी चीप रहती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ी अच्छी कंपनी की लेना पेंसिल, थोड़ी मैकेनिकल पेंसिल अच्छी लेना। मैं एक नई वीडियो लाऊँगा चीप वर्सेस प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव पेंसिल्स का, कि आपको क्यों एक्सपेंसिव में इन्वेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो ये 2B है, हम 2B से यहाँ पे शेड कर रहे हैं। मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ नॉर्मली, यहाँ पे लाइन सर्कल शेड कुछ भी कर सकते हो। मैं इससे शेड करता हूँ, मेरी एक हैरी पॉटर ड्राइंग में मैंने इसका बहुत यूज़ किया था, और थैनोस वाली में भी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो हाइपर रियलिस्टिक थी। सो इसलिए मुझे बेस्ट लगती है फॉर यूजिंग। सो यहाँ पे ये देख सकते हो मेरे पास टैग लगी, यहाँ से मैं एक को शेड करके दिखा रहा हूँ, दोनों में उतना फ़र्क नहीं होगा क्योंकि लीड सेम ही रहती है, बस आप उसमें लीड चेंज कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल में, आप जो चाहो वो लीड रख सकते हो। बट आप एक वुडन पेंसिल में आपको चेंज करता रहना पड़ेगा पेंसिल, आपको टाइम कंज्यूम होगा, और आपको शॉर्प करना रहती है, बट आपको शॉर्प नहीं करना पड़ेगा मैकेनिकल पेंसिल, बस क्लिक करना रहता है, जिससे आपका टाइम बहुत बचता है। आपको हाइपर रियलिस्टिक में बहुत काम आती है, डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है मैकेनिकल पेंसिल। इसलिए सारे बड़े आर्टिस्ट मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं, और सजेस्ट करते हैं मैकेनिकल पेंसिल परचेज़ करो। जो मैं खुद करता हूँ, जब मैं बिगनर था तभी मैंने परचेज कर ली थी, तब मैं स्केचिंग और आउटलाइनिंग इससे करता हूँ। आउटलाइनिंग में हमें एक पतली सी लाइन चाहिए रहती है कि हमें बस दिख जाए कि कैसे हम इसके ऊपर शेड कर पाए, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास हाल ही में कुछ मैकेनिकल पेंसिल्स और लीड है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें मैं आपको बताऊँ तो आपको कौन सी बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सब स्टार्टिंग में सकूरा की बाय करना चाहिए, आपका बजट थोड़ा ज़्यादा नहीं है तो, क्योंकि ये सस्ते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। और मेरे पास सकूरा की बेस्ट है, 0.8 मेरे पास 3B है, 0.5B है, 0.7 भी है, 0.9 भी है। इनकी प्राइस 250 देती है ईच की, पर पेंटेल की थोड़ी 500 रुपीज़ तक आती है, और स्टेडलर की 700 से 800 के बीच में, और टॉम्बो की 500 रुपीज़ तक की। सो इन सब की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आके चेकआउट कर सकते हो इसके अभी क्या प्राइस चल रही है। सो इसका लास्ट पॉइंट कहता है कि आपको ये इसलिए परचेज़ करना चाहिए,
इसका फोर्थ मैंने ये कहता है कि आप इसको बहुत टाइम तक रख सकते हो, मतलब मैं इसको 1 ईयर होने वाला मैं इनको यूज़ करते हुए 1 ईयर्स मुझे अभी तक कोई ख़राब नहीं हुई, क्योंकि ये अच्छी कंपनी में एक्सपेंसिव ली थी, ये वर्थ है इतने एक्सपेंसिव लेना क्योंकि ये बहुत टाइम तक चलती है आपकी, इन्वेस्ट करते हैं करता हूँ। सो मेरे पास थोड़ा बजट बढ़ता गया था, मैंने सबसे ज़्यादा के लिए इनका यूज़ किया, जैसे मैंने हैरी पॉटर की वाली स्केच बनाई थी, सो हैरी पॉटर की वाली स्केच, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, थैनोस की वाली स्केच, इसमें मैंने ये यूज़ किया है, सारी पेंसिल का यूज़ बहुत किया मैंने। तो आपको आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखी, तब जाके देख सकते हो। सो गाइस आज के इस वीडियो में जल्दी इसका गिव अवे करने वाला हूं, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियोस के लिए आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, सो बाय।